पांच दिवसीय गंगा यात्रा की, जिसका आज तीसरा दिन है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर में गंगा यात्रा में शिरकत करेंगे। वहीं मां विंध्यवासिनी मंदिर के दर्शन पूजन करने के बाद वो अमरावती चौराहे पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वहीं सीएम योगी पर्यटन और विकास कार्यों के संबंध में बैठक भी लेने वाले हैं। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जीआईसी ग्राउंड में योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद वो प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे। और आदित्य द्विवेदी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं। आदित्य, तीसरा दिन है आज उस गंगा यात्रा का, और जैसे जैसे देखे कि अपने अपने रास्ते पर जो अंतिम छोर कानपुर तक जिस तरह से पहुंचना है 31 जनवरी को, उसकी ओर आगे बढ़ती हुई, लेकिन जो संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है, क्या वो लोगों तक पहुंच पा रहा है? और इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि आज का कार्यक्रम किस तरह से पूरा तय किया गया है। जी देखिए, आज सुबह 8:30 बजे लखनऊ से योगी जी रवाना हो जाएंगे और वो सीधे सबसे पहले बनारस पहुंचेंगे। बनारस में गंगा यात्रा में उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी रहेंगे। और इस समय आपको बता दें कि गंगा यात्रा में भाजपा पूरी ताकत झोंक रही है लोगों को गंगा यात्रा की स्वच्छता और सफाई को लेकर जागरूक करने के लिए। साथ ही एक संदेश भी देना चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि किसी भी तरह से गंगा निर्मल और स्वच्छ हो जाए, और वो भाजपा ने कर दिखाया, भाजपा सरकार ने वो पूरी तरह से कर दिखाया। ये संदेश देने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसी संदेश को देने के लिए सबसे पहले कानपुर में प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हुए थे, जहां पर योगी जी उनके साथ में थे, तो उसपे कहीं ना कहीं भाजपा संदेश देने में सफल भी हो रही है, क्योंकि प्रदेश की पूरी भाजपा इस समय सिर्फ इसी पर फोकस कर रही है। इसी के तहत कल ही निर्देश दिए गए हैं कि सभी सांसद भाजपा के अपने अपने क्षेत्र में 2 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। 29 और 30 जनवरी को भाजपा के सभी सांसद इसी के तहत गंगा यात्रा का जागरूकता का अभियान छेड़ रहे हैं, भले ही गंगा वहां से निकल रही हो या ना निकल रही हो। जी बिल्कुल। आदित्य, ये भी जानना चाहेंगे, इस दौरान जनसभा को संबोधित किया जाएगा तो कई तोहफे भी प्रदेश को दिए जाएंगे, कौन कौन सी योजनाएं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर करना है? देखिए, बनारस के बाद सबसे अधिक समय मुख्यमंत्री मिर्जापुर में दे रहे हैं। मिर्जापुर में वो सबसे पहले पहुंचेंगे हेलीपैड, वहां पर पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचने के बाद वो मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे और कई विकास कार्य हैं कई करोड़ के, उनका वो शिलान्यास करेंगे और वहां पर वो संदेश देने की कोशिश होगी गंगा यात्रा के साथ ही कि उत्तर प्रदेश सरकार में क्या क्या कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, 3 साल की प्रदेश सरकार की क्या क्या उपलब्धियां हैं, साथ में ये भी बताया जा रहा है। तो ये संदेश लगातार भाजपा दे रही है, उसी तरह का संदेश आज मुख्यमंत्री खुद वहां प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थित में देंगे। इस और सबसे अधिक टाइम वो विंध्याचल में दे रहे हैं। उसके बाद शाम को 4 बजे प्रयागराज भी पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ भी और उनके साथ में स्वतंत्र देव भी। जी बिल्कुल। आदित्य, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि विंध्याचल को ज्यादा तरजीह यहाँ पर दी जा रही है, वक्त यहाँ पर दिया जा रहा है, क्या इसके पीछे कोई और भी संकेत हो सकता है? देखिए, ये मान लीजिए कि चुनावी बुगुल एक तरह से फूंका जा चुका है, इसी के तहत 3 सालों की लगातार उपलब्धियां बताई जा रही हैं। 2022 में हालांकि चुनाव होने हैं लेकिन भाजपा ने लगभग कमर कस ली है। इसी के तहत प्रदेश में सभी जिला इकाइयों का गठन करने के निर्देश भी 15 फरवरी तक दे दिए गए हैं कि 15 फरवरी तक हर हाल में जिले की इकाइयां भी गठित हो जाए और पूरी तरह से सक्रियता के साथ कार्यकर्ता लग जाए, और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के क्रम में ही ये कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। चलिए, धन्यवाद आपका आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए।